अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं मुंबई के बहुत ही मशहूर कबाब पाव। ये कबाब पाव मुंबई की स्ट्रीट फूड स्पेशलिटी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली हूँ आधा किलो कीमा और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और उसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले लेंगे। तो ये मैंने ली हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ साबुत धनिया और ज़ीरे को भी मैंने दरदरा पीस लिया है, ये 2 टेबल स्पून है धनिया और ज़ीरा पाउडर। और उसके साथ ही मैंने लिया हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची कुटी हुई, और 1/2 टीस्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर। ये रही हल्दी, साथ में नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप जायके के मुताबिक ले लें। और 2 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए, ये 3 प्याज को मैंने कद्दूकस किया और फिर इसे दबा के उसका पूरा पानी निकाल दिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये मैंने काटी नहीं है बल्कि इसे कद्दूकस किया है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 मुट्ठी हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और तकरीबन 3 हरी मिर्चें काट ली है, और ये बड़े ब्रेड के 4 स्लाइस को मैंने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया है। तो ये बड़े 4 ब्रेड के स्लाइस का ब्रेड क्रम तैयार हो गया है हमारा। और साथ में 1/2 कप मैंने ली हूँ गेहूं का आटा। ये देखिए, 1 छोटी कटोरी है ये गेहूं का आटा। ये आटे से हम रोटियां बनाते हैं। अब हम मटन में डालेंगे, कीमे में डालेंगे नमक। सबसे पहले नमक डाल दी मैंने, इसके बाद हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 kg कीमा है, इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट काफ़ी है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तमाम पाउडर मसाले, 2 टीस्पून 2 छोटे चमचे लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चमचे धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने, और उसके साथ ही गरम मसाला भी 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून। और ये रही प्याज, 3 प्याज को मैंने कद्दूकस करके इसे हाथों से दबा के इसका पूरा पानी निकाल दिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, पुदीना और उसके साथ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 3 ली हूँ मैंने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकती हो। तमाम चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसमें हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम मैंने आपसे कहा है कि मैंने ब्रेड के स्लाइस को मिक्सी में डालकर 2-3 बार इसको ऑन और ऑफ़ किया। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से हमारा ब्रेड क्रम तैयार हो गया। ये फ्रेश ब्रेड क्रम है, आप चाहे तो मार्केट का ब्रेड क्रम ले सकते हो, लेकिन ये करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये 1/2 कप तकरीबन था। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं मिला दूँगी गेहूँ का आटा। जी हाँ, ज़्यादातर इसमें बेसन डाला जाता है, लेकिन ये देखिए, मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। ये बहुत ही जो है आसानी से बनेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, तो ये कबाब बड़ी ही आसानी से झटपट से हमारे घर में तैयार हो जाते हैं और बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई, अब इसे हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारे, कीमा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये देखिए, अब बस हाथों को हल्का सा मैंने तेल लगाया और इसके झटपट से हम कबाब बना लेंगे। ये देखिए, बस बहुत आसान है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, बस इस तरह से छोटे छोटे हम जो इसके बॉल्स बना लेंगे। आप चाहें तो और छोटे बॉल्स भी बना सकते हो, लेकिन मैं इतने बना रही हूँ, काफ़ी है। ढेर सारे कबाब जो है इतने कीमे में हमारे बन जाते हैं। इसे आप चटनी से भी खा सकते हैं, या ज़्यादातर मुंबई में ये पाँव से खाए जाते हैं। तो ये देखिए, झटपट से हम इस तरह के इसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें नींबू का रस नहीं डाला है, नींबू का रस डालने से ये अक्सर टूट जाते हैं। ये देखिए, कबाब हमारे रेडी हैं। अब ये मैंने तेल गर्म करने रखा, तेल को चेक करना है, तो इस तरह टूथपिक दरमियान में डालेंगे। साइड में इसके बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो है कबाब फ्राई कर लेंगे। अगर आप हल्के गर्म तेल में कबाब डालोगे तो हो सकता है कबाब आपके टूट जाएं, या ज़्यादा गर्म तेल में डालोगे तो कबाब बहुत ही जल्दी ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे।
तो तेल का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बस ये मैंने कबाब डाल दिए, जितने पैन में आए, जितने आपसे संभले इतने ही डालें। 2 से 3 बार में हम इन कबाबों को आसानी से फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये जो है फ्राई हो जाते हैं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर करेंगे, ज़्यादा स्लो नहीं रखेंगे, नहीं तो ये कबाब में क्रैक्स आ जाएगा, कबाब टूट जाएंगे। तो बस इसी तरह इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए कबाबों के ऊपर बहुत ही अच्छा रंग आ चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज कबाब ही लगते हैं। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट इनका रंग आ चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब चलिए अब इसे हम निकालते हैं। तो ये देखिए, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है, तो ये सॉफ्ट भी रहेंगे। तो ये देखिए हमारे ये कबाब रेडी हो गए। अब इसे हम पाव में भी आगे चल के भरेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के कबाब है। अब इन कबाबों पे हम नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, या पाव के साथ में। तो ये देखिए मैंने ये स्लाइस पाव लिया है, इसके अंदर हम चटनी लगाएंगे अपनी मनपसंद, जो आप पसंद करें चटनी। मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी लगा रही हूँ, दही की ग्रीन चटनी है ये। इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हो। ये चटनी मैंने लगा दी, उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़े से प्याज के लच्छे। बड़े ही अच्छे लगते हैं अनियंस के ये रिंग्स, तो ये मैंने डाल दिए। और फिर हम इसमें अपने कबाब डालेंगे, बस इतनी प्याज काफ़ी है। अब इस पर हम कबाब डाल लेंगे। एक पाव में तकरीबन 3 कबाब आसानी से आ जाएंगे। आप चाहे तो 2 में भी कर सकते हो इसे, या आपकी मर्ज़ी, आपको जितने चाहिए आप इसमें डाल लें। ये देखिए बड़े ही मज़े के ये कबाब पाव लगते हैं। अब ये मैं इसे बंद करती हूँ। हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है नींबू का रस भी निचोड़ लेते हैं, क्योंकि कीमे के मैरिनेशन में मैंने नींबू नहीं डाला था। नींबू डालने से अक्सर कबाब फ्राई करने के दौरान टूट जाते हैं। तो ये लीजिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म मुंबई के कबाब पाव। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।